एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। इस टॉपिक को समझने के बाद ही आप उस चैप्टर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहा हूँ। समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और दूसरी चीज़, समांतर श्रेणी का इस्तेमाल आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में भी मिलेगा। देखिए, शुरुआत ऐसे चैप्टर से होनी चाहिए कि आपको समझ में भी आए और उस चैप्टर का इस्तेमाल आप नेक्स्ट क्लास में और उसके भी नेक्स्ट क्लास में, यानी जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े रहोगे, जब तक आप कंपटीशन वाला एग्ज़ाम दोगे, तब तक ये चैप्टर रहेगा। तो इस नाते मैंने सोचा कि सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है क्लास 10th में, वो है समांतर श्रेणी। तो उसी चैप्टर को लेकर के हम शुरुआत करेंगे आगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है और इसको समझेंगे कैसे और इससे संबंधित सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक सामने आ रहा है वो है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। एक बार फिर से मैं परिभाषा दोहराता हूँ कि एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। नियत संख्या का मतलब एक निश्चित संख्या, बार बार उसी संख्या को जोड़ा जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, या उसी नियत संख्या को बार बार घटाया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए आपने 3 ले लिया। अब 3 में यदि कोई नियत संख्या जोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 3 में अपनी मर्जी से कोई संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 3 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 8। आपने 5 जोड़ा, अब फिर से वही 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 8 × 5 = 13 हो जाएगा। फिर से 5 इसी में जोड़ दीजिए, 13 × 5 = 18 हो जाएगा। फिर से 5 जोड़िए तो 18 × 5 = 23 हो जाएगा। मतलब ये है कि एक ही नियत संख्या को बार बार हम अगले पदों में जोड़ते जाएंगे तो जो पद हमें प्राप्त होते जाएंगे वो सारे पद समांतर श्रेणी कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैं और छोटी संख्या लेकर समझाता हूँ। मैंने बोला है परिभाषा में कि एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो अब की बार हम घटा करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 20, इसमें से आपने घटा दिया 2 तो आया 18। अब एक बार जब आपने 2 घटाया है तो बार बार आपको 2 ही घटाना है। फिर से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 16, फिर से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 14, फिर से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 12, फिर से 2 घटाइए 10 आएगा, घटाइए 8, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। 0 में से यदि आप 2 घटाओगे फिर -2, और -2 में से भी 2 घटाओगे तो -4 हो जाएगा। श्रेणी आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, आप जहाँ तक मन करे वहाँ तक श्रेणी को बढ़ाते हुए ले जाइए, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए। प्लस और माइनस का यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। दूसरी चीज़, आप समझ गए होंगे ये श्रेणी हमने जोड़ करके प्राप्त किया है और ये श्रेणी हमने घटा करके प्राप्त किया है। तो आप इन उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये क्या चीज़ समांतर श्रेणी? आज आप लोग पढ़ रहे हो, इसकी परिभाषा मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, मैं सूत्र सिद्ध करने की तरफ बढ़ूंगा कि समांतर श्रेणी में एक सूत्र होता है nवां पद tn बराबर a+(n-1)(d), nवां पद tn बराबर a+(n-1)(d) ये सूत्र होता है। ये सूत्र कैसे आता है इसको मैं सिद्ध करके बताऊंगा। मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा चीज़ बता देना ये मूर्खता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे तभी उसकी गहराई तक पहुंच पाओगे। डिटेल में नहीं पढ़ोगे
जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर चले जाओगे तो उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो गहराई तक पहुंचना है तो डिटेल में पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा कि यह सूत्र हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे बताया परिभाषा से ही वो सूत्र आ जाएगा, एक ऐसी श्रेणी जो किसी नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बार बार दोहराने का मतलब मेरा यही है कि आपको याद हो जाए, याद ना करना पड़े। मान लीजिए कि श्रेणी के पहले पद को हम ए बोलते हैं और जो नियत संख्या बार बार हम जोड़ते हैं उसको हम डी बोलते हैं। ये हमारा नियत संख्या है। नियत संख्या क्या है? डी है। और पहला पद क्या है? पहला पद हमारा ए है। तो हम पहले पद में नियत संख्या जोड़ दें तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। हमारा पहला पद क्या है? ए है। इसमें हम नियत संख्या जोड़ दें तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। हम पहले वाले में जोड़ देंगे डी को, नियत संख्या यही, तो हमारा दूसरा पद प्राप्त हो गया। इस नियत संख्या को हम सर्वांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन हम पहले यहाँ पर हम उस सूत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरूर समझिएगा, ज़रूर समझिएगा इसी वीडियो के समय। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या को जानने के लिए हम इसमें नियत संख्या डी को जोड़ दिए। तीसरा जानने के लिए हम इसमें अब पहले वाले में एक डी और जोड़ देंगे। इसमें जब फिर से डी जोड़ोगे तो यहाँ पर डी पहले से है, एक बार और आपने डी जोड़ दिया तो हो जाएगा 2D। अगर फिर हमें चौथी संख्या ज्ञात करना है तो पहले उसके पहले वाले में हम एक बार और डी जोड़ देंगे, तो यहाँ 2D है ना, एक बार और डी जोड़ोगे तो 3D हो जाएगा। और अगर पाँचवीं संख्या चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो ए प्लस हम इसमें कितना जोड़ देंगे, चौथी नहीं पाँचवीं ज्ञात करनी है तो इसमें हम एक बार और डी जोड़ेंगे तो जाएगा 4D। आगे बढ़ते जाएंगे। अगर इस लाइन को आप समझ जाओगे तो फार्मूला भी आसानी से समझ जाओगे कि कैसे वो सिद्ध होता है, कैसे आता है। ध्यान से समझना, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। बार बार मैं कह रहा हूँ इसके पीछे राज है। क्या राज है, ध्यान से समझना। पहले पद में ए अकेला है, दूसरे पद में भी ए है, तीसरे में ए भी है, चौथे सब में ए है, सब में ए है ना। अब देखिए, दूसरे पद में डी एक है, तीसरे वाले पद में डी की संख्या 2 है, चौथे वाले पद में डी की संख्या 3 है, पांचवें वाले पद में डी की संख्या 4 है। पांचवें पद में डी की संख्या 4, चौथे पद में डी की संख्या 3 और दूसरे पद में डी की तीसरे पद में डी की संख्या 2 और दूसरे पद में डी की संख्या 1। मैं समझाना क्या चाहता हूँ इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि यदि आपको तीसरा पद T3 निकालना है, तीसरा पद 1, 2, 3 ये है, ए प्लस 2D। बात को समझिएगा अब और ज़्यादा आपको सीरियस होना समझने के लिए। T3 यानी तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2D लिख सकते हैं। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस इस 2 को लिख सकते हैं 3-1 × D। कैसे? अरे भाई यहाँ पर 2 है तो इसको भी घटाने पर आपको 2 ही प्राप्त होगा, इसको भी घटाओगे तो 2 पाओगे ना। इसी तरीके से यदि हम चौथा पद लिखें तो चौथा पद हमारा 1, 2, 3, 4 चौथा पद ये है, ए प्लस 3D। लेकिन यदि हम इस फॉर्मेट में लिखें इसको भी तो ए प्लस 4-1 × D होगा। समझिएगा बात को, यहाँ 4 है तो 4-1 × D। अरे भाई 4 में से घटाओगे तो यही ना आएगा 3D, ए प्लस 3D। और ये भी क्या चीज़ है, ए प्लस 3D है लेकिन दूसरे रूप में लिखा गया है। तो ये चीज़ दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। अब इसको आप बहुत जल्दी सिद्ध करने वाले हो, 10 से 15 सेकंड के अंदर ये वाला सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, पाँचवा पद T5 बराबर ए प्लस 4D, ये कहाँ है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ए प्लस फोर डी। मैंने लिख दिया पांचवें पद को ए प्लस फोर डी बराबर ए प्लस, हम इस फोर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो फाइव माइनस वन इंटू डी। अब मैं अगली बार डायरेक्ट इसको सिद्ध कर दूंगा, आप समझ भी जाओगे कैसे। ध्यान से देखना, टी थ्री निकालने के लिए थ्री माइनस वन हुआ है, फोर निकालने के लिए फोर माइनस वन हुआ है, टी फाइव निकालने के लिए फाइव माइनस वन, टी सिक्स निकालने के लिए सिक्स माइनस वन, टी सेवन निकालने के लिए यहाँ पर जाएगा सेवन माइनस वन। तो इसी तरह से टी एन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर फाइव था तो यहाँ पर फाइव माइनस वन हुआ, बाकी चीज़ सेम है, ए और डी रहेगा। ए और डी देखिए सब में है ना, तीनों में है, ए और डी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, यहाँ भी ए और डी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। थ्री था तो थ्री माइनस वन, फोर था तो फोर माइनस वन, फाइव था तो फाइव माइनस वन, एन रहेगा तो एन माइनस वन। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम लोग सूत्र सिद्ध करते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर क्या आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सूत्र इसी तरीके से सिद्ध होता है। अब जरा टी एन का कई रूप होता है, टी एन का बहुत सारा सूत्र होता है, बहुत तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत तरीके से बुक में दिया जाता है, बहुत तरीके से एग्जाम्पल में दिया जाता है। अलग अलग प्रकाशन की अलग अलग लेखक की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर टी एन का कई रूप आपको देखने को मिलेगा। पहला रूप तो आप देख रहे हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी को कहीं कहीं ए एन लिखते हैं, देखिएगा कहीं भी अगर ऐसा मिल जाएगा तो आप घबराइएगा मत। इसी टी एन को ए एन लिखते हैं, सूत्र वही है, और इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं यानवा पद, यानवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी को कहीं कहीं ऐसे अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद एल का भी यही सूत्र है, अंतिम पद एल का भी यही सूत्र है। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर चार चीज़ों को बंद किया है, चारों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, चारों एक ही चीज़ें हैं, बशर्ते आपको भरमाया जा सकता है, जानकारी के अभाव में आप हो सकता है कि उलझ जाएं, लेकिन उलझना नहीं है। राइट हैंड साइड सबका एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल बदल रहा है, संकेत करने का जो तरीका है वो बदल रहा है, दर्शाने का जो तरीका है वो बदल रहा है। तो आप याद रखना, टी एन भी वही चीज़ होता है, ए एन भी वही चीज़ होता है, यानवा पद भी वही चीज़ होता है, और अंतिम पद एल भी वही चीज़ होता है। और इससे रिलेटेड अगर और कोई फार्मूला मुझे मिलेगा तो मैं उसे भी बताऊँगा। तो आज ये था आपका इंट्रोडक्टिव वीडियो। क्लास टेंथ का कोर्स मैंने शुरू कर दिया है, जिन बच्चों को क्लास टेंथ की पढ़ाई करना है एम सॉल्यूशन पर, वो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि आ जाएं, यहाँ पर स्टडी शुरू हो गई और यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।